नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कि बार कोड कैसे बनाएंगे। जी हाँ, बिल्स वगैरह में आपने बार कोड लगा हुआ देखा होगा, या प्रोडक्ट की जो होते हैं उसमें बार कोड होता है। तो ये बार कोड आखिर बनता कैसे है? मान लीजिए आप एक्सेल के जरिए कोई बिल बना रहे हैं, तो बार कोड कैसे बनाएंगे? तो बार कोड होता क्या है? ताकि स्कैनर उसको इजीली स्कैन कर ले, उसका प्रोडक्ट कोड जो है, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग कोड होता है, जो आप मॉल वगैरह में देखते होंगे, वो पंच करता है और उसका डिटेल आ जाता है। तो यूनिक नंबर होता है, जिससे उस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल्स हमें मिल जाती है डेटाबेस में। तो उस बार कोड को हम कैसे बनाएंगे? जैसे कि हमने यहाँ पे एक सिंपल सा 1 2 3 है, मैं इसको बार कोड में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक फॉन्ट दिया, कोड 128 के नाम से एंटर मारा, तो ये आपका बार कोड में कन्वर्ट हो गया। थोड़ा सा मैं साइज बड़ा करता हूँ, तो आप यहाँ देखेंगे कि ये आपका बार कोड। अब मुझे वापस नंबर भी दिखना है, तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए और इसकी भी साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, तो इसमें इसका नंबर भी शो हो रहा है। तो ये बार कोड हो गया। अब इसको स्कैनर के जरिए इजीली स्कैन किया जा सकता है। जी हाँ, स्कैनर के जरिए इजीली आप इसको स्कैन कर सकते हैं। इसकी पेटीएम वगैरह और बाकी डिवाइसेस में आप स्कैनर होता है, तो आप इसको स्कैनर के जरिए इजीली इसको सेलेक्ट करिएगा और स्कैन हो जाएगा मोबाइल स्कैनर से। तो कैसे किया? तो इसके लिए जरूरत पड़ती है एक फॉन्ट की, जिसको कोड 28 और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है। ये कहाँ मिलेगा? आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, बहुत सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे, लेकिन एक वेबसाइट जो कि मुझे इजीली मिल गया है और बहुत सिंपल है, ये वेबसाइट मैं आपको नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बस यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है, फॉन्ट को ओपन करना है और आपको यहाँ से इस फॉन्ट को इंस्टॉल कर देना है। उसके बाद आप अपना नंबर्स लिखें और नंबर्स के ऊपर अपने बार कोड का जो फॉन्ट है वो फॉन्ट अप्लाई कर दे। आपका जो भी कोड होगा कोड बार कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं दोबारा दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या किया, यह बार यहाँ पे सॉरी कोड, हाँ कोड 128 एंटर। छोटा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, यहाँ से इसकी फॉन्ट की साइज बढ़ा के ये मतलब बड़ा हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझसे कुछ डाउट है, क्वेश्चन है, तो मेरे आप मोबाइल नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, स्काइप कर सकते हैं, या फिर मेरे साथ कंप्लीट लाइव क्लास ज्वाइन करनी हो तो आप मेरी वेबसाइट पे जाके डेमो क्लास का फॉर्म भर सकते हैं।